नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के सब्जेक्ट 303, जिसमें हमारा टॉपिक है रेटिंग ऑफ एसआईसीओज। बेसिकली इसमें कुछ नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है रेटिंग देने के लिए। कंपैरिजन फॉर्मेशन की जाती है कि स्पार्क इग्निशन जो इंजन है उनके जो फ्यूल्स होते हैं उनको कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि भाई ये कौन से कोड का ऑयल है, कितना नंबर है उनका। तो उनकी नोक की रेटिंग है या दैट मीन्स उसमें जो नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है यानी जो कुछ एबनॉर्मल कम्बशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो कब होता है कब नहीं होता, ठीक है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए नंबर्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑक्टेन नंबर, जैसा लिखा हुआ है नॉक क्वालिटी इज ट्रीटेड बाय द कंपेयरिंग प्राइमरी रेफरेंस फ्यूल्स। प्राइमरी दो फ्यूल्स होते हैं जिनको मिक्सअप के बाद हम ऑक्टेन नंबर को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे आइसोक्टेन दैट मीन्स 100% ऑक्टेन नंबर और एन हेप्टेन। आइसोक्टेन जो है वो होता है C8H18 यानी 2,4-2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ये उसका केमिकल फार्मूला होता है और केमिकल नेम होता है, IUPAC नेम होता है, ठीक है। और जो सेकेंड इसके अंदर कंपोजिशन होती है वो होती है एन हेप्टेन की, जो होता है हमारा C7H16। तो इन दोनों के कंपेरिजन से ही हम बताते हैं कि कितना ऑक्टेन नंबर है। देखिए एक्चुअली ऑक्टेन नंबर हम यूज करते हैं डीजल के लिए तो सीटेन नंबर यूज करते हैं और पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर यूज करते हैं, ठीक है। द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन इन ए मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन, यानी दोनों की परसेंटेज के किन किन की, आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन की जो कम बाय वॉल्यूम उनकी परसेंटेज है उससे कंपैरिजन किया जाता है, विच एग्जैक्टली मैचेस द नॉकिंग इंटेंसिटी ऑफ द टेस्ट फ्यूल। जिस फ्यूल की हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी नॉकिंग को, उसकी नॉकिंग की कितनी इंटेंसिटी है उस पर स्पेसिफाई करेंगे हम दोनों फ्यूल्स के कंपैरिजन से बाय वॉल्यूम। स्टैंडर्ड इंजन अंडर ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस इज डिफाइंड एज ऑक्टेन नंबर। और जब ये हम टेस्टिंग करते हैं तो उस समय हम जो कंडीशंस हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो जो कंडीशंस हैं वो होती हैं जैसे कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च इंजन होता है CFR, यानी 900 RPM, जो इनटेक टेम्परेचर है वो 38°C, कूलेंट टेम्परेचर 100°C और इग्निशन एडवांस जो है वो 13 BT DC, ठीक है। तो इस कंडीशन के ऊपर हम क्या करेंगे, बाय परसेंटेज वॉल्यूम दोनों आइसोक्टेन और एनएप्टेन जो फ्यूल्स हैं दोनों का कंपैरिजन मिलाएंगे, मिक्सअप करेंगे और तब उसकी रेटिंग देखेंगे। जब नॉकिंग स्टार्ट हो जाती कितने भी होती है वो सारी चीज़ें बाद में स्पेसिफाई की जाती है। इसमें एक टर्म यूज की जाती है हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। ये दैट मीन्स हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो का मतलब है यहाँ पे इज द कंप्रेशन रेशियो एट विच फ्यूल कैन बी यूज विदाउट डिटोनेशन, यानी इतना कंप्रेशन रेशियो, मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो तो जितना ज्यादा होगा उतना बेनिफिशियल, बट ज्यादा कंप्रेशन रेशियो पे हमारे नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, नॉकिंग और डिटोनेशन। तो उस बिना डिटोनेशन के हम कितना कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, ठीक है ना। जैसा कि स्पेसिफाई किया हमारी डेफिनेशन में भी कि इज द HUCR इज द कंप्रेशन रेशियो एट विच ए फ्यूल कैन बी यूज्ड विदाउट डिटोनेशन इन ए स्पेसिफाइड टेस्ट इंजन अंडर स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशन एंड द इग्निशन एंड मिक्सचर स्ट्रेंथ बीइंग एडजस्टेड टू गिवन बेस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। वो यानी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले CFR वगैरह और 900 RPM और 38°C इंटेक टेम्परेचर, ठीक है, और कूलिंग का 100°C टेम्परेचर, ये कुछ कंडीशंस थी जो हम फुलफिल करवाते हैं कि इन स्पेशल कंडीशंस को मेंटेन करते हुए कि हमारा जो फ्यूल है वो मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो कितना देगा हमें विदाउट डिटोनेशन, ठीक है, और बेस्ट एफिशिएंसी दे, तो हम उसको बोलेंगे HUCR यानी हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका ही एज HUCR वैल्यू इज ओनली एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर इंजन एंड ए गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस। जैसे कि हम पहले भी कह रहे हैं कि
ये हर एक इंजन पे अलग अलग, क्योंकि उनके साइज डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और साथ में ऑपरेटिंग कंडीशन कि हम क्या क्या चीजें कितने पे मेंटेन कर रहे हैं उसके हिसाब से भी वो एफिशिएंसी और अपनी परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। एंड अनदर मेथड हैज बीन डिवाइज्ड टू गिव एन एंटी नॉकिंग मेजर ऑफ द फ्यूल। द मेथड इज नोन एज डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल, ठीक है ना। यानी हम उस जैसे हमने पहले भी बताया था आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन जो फ्यूल्स हैं उनसे हम फिर बता देते हैं कि भाई इतने नंबर का फ्यूल है तो दैट मीन्स इसमें डिटोनेशन नहीं होगा, ठीक है, या फिर इतने के टाइम के बाद होगा या इस कंडीशन पे होगा, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर जो है वो हमें बताता है कि कितना कितनी स्पीड पे कितने कंडीशन पे डिटोनेशन स्टार्ट हो जाता है। इन ऑक्टेन नंबर द टेस्ट कि उनके कंपेरिजन में इतना होगा, बट बेसिकली वो किस चीज के वो होंगे, मिक्सचर्स होंगे आइसो ऑक्टेन के और एनहेप्टेन के, ठीक है। उसी से हमने कहा था कि हम उससे ऑक्टेन नंबर डिसाइड करते हैं और ऑक्टेन नंबर से ही हम फिर डिटोनेशन को स्पेसिफाई करते हैं। दिस फ्यूल्स आर नोन एज प्राइमरी रेफरेंस फ्यूल्स, इनको PRF बोलते हैं, प्राइमरी रेफरेंस फ्यूल्स बोलते हैं। एंड द ऑक्टेन नंबर ऑफ अननोन फ्यूल इज डिफाइंड एज द प्रेजेंट एज ऑफ द आइसोक्टेन इन PRF, ठीक है। यानी उनसे कंपैरिजन करके ही जो प्रेजेंट हमारा फ्यूल होता है उसका ऑक्टेन नंबर हम स्पेसिफाई करते हैं, दैट गिवन द नेम सेम नॉक इंटेंसिटी, ठीक है, उनका कंपैरिजन। दस ए गैसोलीन द That gives the same knock intensity as, जैसे कि एक example दिया हुआ है इसमें कि 90 PRF है, PRF का मतलब है primary reference fuel, ठीक है। इसका मतलब 90 PRF है तो इसका मतलब ये होता है कि 90% volume जो है वो iso octane की है और 10% volume जो है n-heptane की है, ठीक है। तो in the test is said to be have a octane number, और हम यहाँ पे specify करेंगे कि इस fuel का जो है octane number 90 है, यानी किसी ऑयल के ऊपर लिखा हुआ है 90 ऑक्टेन नंबर है उसका, तो इसका मतलब उसमें उसकी परसेंटेज उसकी वॉल्यूम में आइसो ऑक्टेन 90% है और 10% जो बचा हुआ है वो बाय वॉल्यूम एनहेप्टेन है, और उसको स्पेसिफाई ऐसे किया जाता है ऑक्टेन नंबर 90 है। उसके बाद एक टर्म यूज की जाती है फ्यूल सेंसिटिविटी। फ्यूल सेंसिटिविटी भी एक्चुअली फ्यूल है, ईंधन से ही रिलेटेड है, और सेंसिटिविटी मीन्स कि कितने रिस्पॉन्स के बाद, मतलब कितने इनपुट के बाद आउटपुट में कितने चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेन सेंसिटिविटी जो है वो डिफरेंस होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर और मोटर ऑक्टेन नंबर का, इज ऑफ इंक्रीजिंग इन स्पार्क इग्निशन इंजन बिकॉज ऑफ इट्स रिलेवेंस टू नॉक रेजिस्टेंस एट बूस्टिंग हाई लोड कंडीशन, ठीक है। यानी जब इंजन पे ज्यादा हाई लोड पड़ते हैं तो हम उस समय क्या करना चाहते हैं, फ्यूल की सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, और वो कितना सेंसिटिव है कि हमने कितनी देर में फ्यूल बढ़ाया और कितनी देर में वो रिस्पॉन्स देखिए और उस कंडीशन को मीट कर सकता है, ठीक है। तो द एंटी नॉकिंग क्वालिटी ऑफ फ्यूल इन ए गिवन कार एंड ऑपरेटिंग कंडीशन डिफाइन इट्स ऑक्टेन इंडेक्स। ऑक्टेन इंडेक्स जो होता है उसका फार्मूला होता है RON यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर माइनस K इंटू S। K और S जो है वो कांस्टेंट है, S सेंसिटिविटी है, और K जो है वो गिवन कंडीशंस के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है हमने वेयर K इज कांस्टेंट फॉर दैट कंडीशन, S इज सेंसिटिविटी। RON और MON यानी RON तो हो गया रिसर्च ऑक्टेन नंबर और MON हो गया मोटर ऑक्टेन नंबर, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड और यूज किया जाता है परफॉर्मेंस नंबर। परफॉर्मेंस नंबर इज आल्सो नोन एज ऑक्टेन नंबर और ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है। फ्यूल से हम बार बार कह रहे हैं कि फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग जो है दैट मींस नॉकिंग बताता है वो कि इस कंडीशन का फ्यूल है, दैट मींस वो इस स्पीड से अबाव या इस स्पीड के बिलो जो है नॉकिंग करेगा यानी डिटोनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस नंबर जो है ऑक्टेन रेटिंग और ऑक्टेन नंबर इज मेजर्ड एज अ फ्यूल स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। द हायर द ऑक्टेन नंबर द मोर द कंपैरिशन द फ्यूल, यानी जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा
उतना ही ज्यादा हम कंप्रेशन रेशियो अप्लाई कर सकते हैं फ्यूल के ऊपर, और जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो अप्लाई कर सकेंगे तो दैट मीन्स यानी उतने ज्यादा वो क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा और नॉकिंग की प्रॉब्लम कम होगी उसके अंदर। इन डीजल इंजन डिटोनेशन जो है एक्चुअली दोनों में ही होती है, SI में और CI में, बस पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। इन डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन ओनली द एयर इज कंप्रेस्ड एंड फ्यूल इज एडेड। ये हमें पता है कि फ्यूल जो है वो हम उसमें एडिट करते हैं, जो एयर है वो डायरेक्टली आती है और उसको कंप्रेस कर लेते हैं देन। बट हमारे जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनके अंदर तो पहले हम कार्बोरेटर यूज करते थे, ठीक है, जो कार्बोरेटर एयर फ्यूल मिक्सचर्स को दोनों को एक सर्टेन यूनिफॉर्म क्वांटिटी में बना के और फिर उनको इंजन में इंजेक्ट करता था, ठीक है। ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द कंप्रेशन साइकिल, यानी जो कंप्रेशन यानी हमें चार वो प्रोसेस होते हैं हमारे कंप्रेशन के, सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, तो जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है उसके बाद ही हम फ्यूल को ऐड करते हैं, क्योंकि उसके बाद एक सर्टेन प्रेशर होता है और सर्टेन प्रेशर और उस प्रेशर के ऊपर एक टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, जब वो आग जो है कंबशन स्टार्ट हो जाता है उसका। बट इन एक गैसोलीन इंजन, ठीक है, यानी गैसोलीन इंजन किसको बोलते हैं, पेट्रोल इंजन को बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन को, SI इंजन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड एंड द इग्निशन इज इग्नाइटेड बाय द स्पार्क प्लग। यहाँ पे जैसे हमने कहा ना कि यूनिफॉर्मली मिक्सचर बना के और कंबशन चैम्बर के अंदर डाल दिया जाता है देन, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है पेट्रोल की वो इतनी सेल्फ इग्नाइट नहीं कर पाती हैं उनको, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे स्पार्क प्लग लगाना पड़ता है, ठीक है। और जब एंड ऑफ कंप्रेशन होता है तो वहां पे स्पार्क जो है वो स्पार्क जनरेट करता है देन फ्यूल जो है वो बर्न करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। इफ द फ्यूल इज अनेबल टू सस्टेन द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द इंजन देन इट मे गेट इग्नाइट बिफोर द एंड ऑफ द कंप्रेशन साइकिल, ठीक है। हाँ, वो एक अलग बात है कि फ्यूल सस्टेन नहीं कर पाए और उससे भी पहले बर्न हो सकता है, डिपेंड करता है वो हमारी कंप्रेशन रेशियो के ऊपर कि किस फ्यूल पे हम यूज करते हैं, ठीक है। विच इज ऑफ द कोर्स अनडिजायरेबल एज इट रिड्यूस आउटपुट एंड एफिशिएंसी, ठीक है। हाँ, अगर प्रॉपर टाइम से कंबशन नहीं होगा तो उसके कारण हमारे आउटपुट भी कम होगा और एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। आल्सो व्हेन द स्पार्क इज इग्नाइटेड द फ्लेम फ्रंट स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट ऑफ द स्पार्क प्लग, ठीक है। सीधी सी बात है कि जब स्पार्किंग कहाँ से स्टार्ट होगी, स्पार्क प्लग के नियर बाई से होगी और फ्लेम प्रोपोगेट होगा यानी इग्निशन लाइक फॉर्मेशन करेगा वो, ठीक है। यूजिंग फ्यूल्स विद लोअर ऑक्टेन नंबर्स मे लीड टू जनरेट मल्टीपल फ्लेम फ्रॉम, अगर लोअर ऑक्टेन नंबर्स होते हैं जो जिन फ्यूल्स के तो वो नॉर्मली मल्टीपल फ्लेम फ्रंट जनरेट करते हैं, कोलाइड विल कॉज इंजन नॉकिंग, और फिर अगर एक ही कंबशन चैम्बर में डिफरेंट डिफरेंट जगह स्पार्किंग होगी तो नॉकिंग जनरेट होने लग जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद हमारे दो पॉइंट्स पूछे जाते हैं बार बार कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट फर्स्ट आता है देन फायर पॉइंट आता है, ठीक है। तो फ्लैश पॉइंट द ऑब्जर्व टेम्परेचर व्हेन द फ्लेम मोमेंटरली इग्नाइटेड द वेपर और एयर मिक्सचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट, यानी कि जब हम किसी भी ऑयल को क्या करें, इग्नाइट करने की कोशिश करें यानी उसका टेम्परेचर राइज करें तो उसके अंदर वेपर और जो वेपर या एयर जो मिक्सचर है वो एक फ्लैश जॉइंट पॉइंट शो करता है, उसी को फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। टेम्परेचर ऑफ ए फ्लैश पॉइंट इज लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल एट विच फ्यूल वेपर स्टार्ट टू इग्नाइट, ठीक है ना। ये एक कम टेम्परेचर होता है फायर पॉइंट से, आग पकड़ने के पॉइंट से पहले, ठीक है, जहाँ पे वो कुछ माइक्रोसेकेंड्स के लिए एक फ्लैश ऑन कर दिखाता है। ये एक फर्स्ट ईयर में आप एक्सपेरिमेंट भी होता है उसमें वहां देख सकते हैं। जो मेथड है इसके लिए, फ्यूल कंटेनर इज स्लोली हीटेड, यानी फ्यूल कंटेनर को स्लोली स्लोली हीटेड करती रहिए, ठीक है। व्हाइल द फ्यूल वेपर इज इन कॉन्टेक्ट विद एन ओपन फ्लेम, ओपन फ्लेम के कॉन्टेक्ट में आएगा तो एक जस्ट टी टेम्परेचर पे जो है वो एक हल्का सा फ्लैश ऑन करता है, उसी को फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। फॉर ए गैसोलीन इट इज 50 OC पे दिखाता है और डीजल का 35 OC पे और हैवी डीजल के लिए 65 OC के ऊपर, ठीक है, वो पॉइंट फ्लैश पॉइंट शो करता है।
फायर पॉइंट. द फायर पॉइंट ऑफ ए फ्यूल इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ दैट फ्यूल विल कंटिन्यू टू बर्न फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड. यानी फायर पॉइंट कौन सा होगा, जब लगातार वो फ्लैश में है ना, हमने कहा नहीं कहीं भी कि कितने टाइम के लिए लगातार वो बर्न हो, वो तो माइक्रो सेकेंड्स के लिए, कुछ सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स के लिए ही फ्लैश ऑन होता है उसके अंदर, वो भी किसी फ्लेम की प्रेजेंस के अंदर. बट फायर पॉइंट के अंदर वो 5 सेकेंड्स के लिए इग्नाइट होता रहे अपर फ्लेम में, तो हम उसको बोलते हैं फायर पॉइंट. ठीक है, एट द फ्लैश पॉइंट द लोअर टेम्परेचर ए सब्सटेंस विल इग्नाइट ब्रीफली बट वेपर माइट नॉट बी प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ सस्टेन द फायर. ठीक है, वेपर प्रोड्यूस नहीं होते हैं वहाँ पे. मोस्ट टेबल्स ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी विल ओनली लिस्ट मटेरियल फ्लैश पॉइंट. इन जनरल द फायर पॉइंट कैन बी एज्यूम टू बी अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस हायर देन द फ्लैश पॉइंट. नॉर्मली जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि जो फायर पॉइंट है वो 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा की बात आता है जो फ्लैश पॉइंट है उसके मुकाबले. यानी मान लीजिए फ्लैश जो आ रहा है वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से आ रहा है तो फायर जो पॉइंट है वो 110 डिग्री सेल्सियस के पास आएगा. ऑल्दो दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर टेस्टिंग इफ द फायर पॉइंट इज सेफली क्रिटिकल. ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है. ठीक है, थैंक यू.